स्वागत है आप सभी का आज के अपने प्रैक्टिस सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो हमने जो इकाई से अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किए थे, आज उसका हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। दोस्तों, बिना बात किए मैं आगे बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन से। आज का जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कि मैंने लिखा कि भाई 7 के ऊपर 105 की पावर, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जामों का, खासकर व्यापम वालों का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है 7 के 105 का। ये आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ये आरएसए के बाद में मिल जाएगा, आप देखना है ना, और एसएससी मेंस की जो बुक है आप जो लगाते होंगे शायद उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब 7 की पावर 105 में आपको इकाई का भी निकालना है, वंस डिजिट निकालना भाई। कल के सेशन के आगे की हम बात कर रहे हैं यहाँ से, वंस डिजिट इकाई का अंक हम निकालने की यहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ से इकाई का अंक की बात करता हूँ तो क्या करना है, मैंने कल कहा था आपसे कि भाई ये जो आपका जो लास्ट दो डिजिट के अंदर 4 का भाग देके देखो तो लास्ट टाइम तक जब 4 तक हो रहा बचा कितना 1, तो ये जो 7 है इसकी पावर 1 लगा है तो 7 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा आपका 7, मतलब इसका जो आंसर इकाई का अंक जो है वो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया, ये लिया मैंने 2516 की पावर 2561, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि हालांकि थोड़ा सा आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 2516 की पावर 2561 है यहाँ पे, तो दोस्तों आपको भी दिख रहा है कि लास्ट में कितना है 6 है, तो आपको भी क्लियर है कि भाई 6 है तो इसकी जो लास्ट डिजिट होगी, जो यूनिट डिजिट होगी, जो इकाई का होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया, ये मैंने क्वेश्चन लिया कि 1956 की पावर 6159 into 2161 की पावर 9516, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कभी भी कोई कठिन नहीं होता है, बस आपका सोचने का तरीका कठिन होता है इसलिए आपको क्वेश्चन कठिन लगता है। यहाँ पे गणित में आप कॉम्पिटिशन के मैथ्स में खास एक बात का इस मतलब खासा ख्याल रखना कि भाई क्वेश्चन कठिन नहीं होता, आपके सोचने का तरीका कठिन होता है इसलिए आपको क्वेश्चन कठिन लगता है। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी तक तो सिंगल सिंगल कर रहे थे, अब दो आ गए, कोई घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई। यहाँ पे कितना है 6, तो 6 का 6 जैसा कि बताया, यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का 1 तो 6 कम 6 आ गया तुम्हारा आंसर। अब देखो यहाँ पे कितना सरल है भाई, 6 आपको भी कल क्लियर करा था मैंने कि भाई यदि लास्ट डिजिट 6 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए या क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो उठा के ऐसा कि ऐसा ही उठा के हम रख देते हैं भाई, 6 का क्या रखा 6 1 का क्या रखा 1, तो 6 कम कितना हो गया 6। अगर बाय चांस इस जगह पे कोई सा दूसरा नंबर होता, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिख लिया 7 लिख लिया और यहाँ से 1 की जगह मैंने लिख लिया 3 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसकी जगह भी क्या कर दिया भाई, 7 कर दिया। ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया, क्या है कि 1957 की पावर 6159 into 2163 की पावर 2 9517। क्या करना भाई यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पे इसमें हमको ये जो नंबर है 59, इसमें आपको 4 का डिवाइड करना है। आपने 4 का डिवाइड किया तो लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया 56 तक, तो बचेगा कितना 3, तो ये जो 7 है ये 7 की पावर हो जाएगा 3 इंटू, अब ध्यान दीजिए यहाँ से कितना है भाई 17 के आखिरी के दो अंक जो 17 है, 17 में आपने किससे भाग दिया, आपने भाग दिया 4 से, बचेगा कितना 1, तो ये जो 3 है इसकी पावर आपने कितना लगा दिया 1, जो रिमाइंडर बचेगा जो शेष बचेगा उसकी आपको पावर लगाना है। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बताइए, 343 होता है, किसी को नहीं मालूम 343 भाई 7 की पावर 3 क्या होता है, 343 होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि याद होना चाहिए, यदि नहीं पता तो आप क्या करेंगे 7 × 7 × 7 तो क्या करा 7 × 7 49 का कितना है मेरे भाई 9, ठीक है, 9 × 7 = 63 का कितना आया 3, ये आ गया आपका 3, ठीक है। तो 7 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 3 × 3 की पावर 1 मतलब कितना 3, तो यहाँ से 3 तक कितना आया, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, आई मेरी बात समझ में। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे सरल क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, बस आपको कठिन लगते हैं इसलिए क्योंकि आपका जो सोचने समझने का तरीका वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा कि 26 की पावर 51 × 27 की पावर 52 × 28 की पावर 53, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है, आपको मिल जाएंगे आप यदि कोई सी बुक वगैरह लगाते होंगे तो, 26 की पावर 51 27 की पावर 52 28 की पावर 53, ठीक है। अब भाई क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो आपने क्या किया भाई 51 में आपने डिवाइड किया किसका 4 का, तो कहाँ तक गया 48 तक गया, बचा कितना 3, तो ये 6 की पावर 3 कहीं भी लगा लो भैया 6 का कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है, यहाँ से 52 है पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या,
हाँ आप करेंगे पूरा पूरा मध्य आ रहा है। और इसके ऊपर पहले वाला जो वीडियो वो एक बार देख लेना, आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से ये जो सेवन है तो सेवन की पावर कितना हो जाएगा फोर। मैंने क्या कहा था कि भाई जब भी लास्ट की दो डिजिट में पूरा पूरा भाग जाए तो क्या करना है, चार का यदि पूरा पूरा भाग जाए तो उठा के चार की पावर आप लगा दीजिए। ठीक है भाई, ये आपने चार की पावर लगा दी, यहाँ से 53 में 52 तक डिवाइड जाएगा, बचेगा कितना एक, तो ये आठ के ऊपर एक की पावर हो जाएगी, तो ये आठ के ऊपर एक की पावर। ठीक है, छह का छह, सात के ऊपर चार की पावर। नहीं समझ में आता है भाई सात के ऊपर चार की पावर कैसे निकालना है, तो कुछ नहीं करना भाई, मगजमारी नहीं करना, जीवन में आया हो खुश रहो, इस तरीके से कर लिया, कोई छोटा थोड़ी ना हो जाएंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार कई बार ये पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा, है ना। अब भाई ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो प्लस में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 251961 8 की पावर 25618, ठीक है, इनटू सॉरी यहां से मैंने प्लस कर लिया। ठीक है, प्लस कर लिया तो मैंने लिखा 25132 की पावर 31325, इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया। भाई कुछ भी क्वेश्चन है मेरे मन से लिख लिया, आप इसमें कुछ भी क्वेश्चन मन से लेके भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। अब भाई देखो 18 है, यहां से लास्ट टाइम तक डिवाइड करो कहां तक जाएगा, 16 तक जाएगा, बचेगा कितना, तो 4 का भाग देना है ना, बार बार कह रहा हूं 4 का भाग देना है, भाग दिया आपने कहां तक जाएगा 16 तक, बचेगा कितना, दो, तो यहां से 8 की पावर आपने लगाई, तो 8 की पावर 2 मतलब 64 का कितना आया 4। ठीक है, प्लस जो साइन लगे प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, डिवाइड में ये नहीं चल रहा है ना, तो यहाँ से 24 तक भाग जाएगा आपका, बचे कितना एक, तो दो की पावर कितना हो गया एक, तो दो की पावर एक मतलब दो, तो चार, तो आंसर कितना गया आपका चार, दैट्स ऑल, सो इजी। मतलब यहाँ पे आप इसका ध्यान रखिए कि भाई क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, बस आपका सोचने का तरीका कठिन हो सकता है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा इस तरीके से, मैंने क्वेश्चन लिखा है 25126 की पावर 25169 माइनस 1221 की पावर क्या जाएगा आपका 6113, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिखा। अब भाई यहाँ पे आपको बताना है कि जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। ठीक है, अब यही यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक काम करो, ठीक है, क्या करना भाई, 6 है कोई दिक्कत नहीं, 6 माइनस यहाँ से 1 है, तो 6 में से 1 गया तो बचेगा कितना भाई 5 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं यहां से एक और क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, मैंने क्वेश्चन लिखा भाई 292 को मार दो, तो वो से तो टू से बहुत बड़े हैं 53127 की पावर 21132 माइनस। ठीक है, अब यहां पे भाई माइनस के बाद में मैंने लिखा 1669 6 की पावर, काम करो 1 की पावर 21 3 6। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन आप भाई मन से क्वेश्चन बनाना, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे, जो अंक आपको अच्छा लगे वो लेके बैठो, आपका सब में आंसर आएगा। ना क्या करना भाई, ध्यान दो, 32 है तो क्या हो गया, यहाँ से आज टाइम तक 4 का भाग दिया पूरा पूरा भाग चलेगा, बचे कितना 0, तो 7 की पावर कितना हो गया 4, आपको बताया था कल के जो मेरा वीडियो है, माइनस यहाँ से देखो भाई आखिरी में कितना 4 है, तो आखिरी में 36 में पूरा पूरा भाग दिया, तो 4 की पावर कितना हो गया 4, अब क्या करोगे। ठीक है, अब क्या करना भाई, तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, 7 की पावर 4 मतलब 7 × 7 = 7 × 7 = 49 माइनस, अब यहाँ से भाई 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 मतलब कितना, कर लीजिए इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 4 × 4 × 4 4 × 16 = 6 × 16 = 6 × 6 = 36, तो ये भी कितना आया भाई 6। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, एग्जाम में ऑप्शन आते हैं भाई आपके पास 6
पांच माइनस पांच माइनस छह, इस तरीके से आपके पास चार ऑप्शन आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 70% जो बच्चे होते हैं, ध्यान रखना, जो फ्रेशर होते हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो मेरे भाई इसका आंसर दन से ये लगा जाते हैं, बिना देर करे आंसर क्या लगा जाते हैं, माइनस पांच लगा जाते हैं। अब बताओ कैसे, कि भाई एक में से सर छह नहीं जा रहा था तो हमने छह में से एक को घटा दिया, बड़ा जो सिंह ने वो लगा दिया हमने, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस पांच आया। आए मेरी बात सुन, तो यहाँ पे भाई ये जो आप लगाते हो माइनस पांच, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ इसको सीमित कर दिया कि ये एक अंक है। नहीं भाई, ये एक अंक नहीं है, इसके आगे भी और अंक होंगे, लेकिन हमने कितना निकाला, अभी सिर्फ एक निकाला है ना, इसके आगे आगे भी और अंक होंगे। अब आप देखिए, ये नंबर क्या है, बड़ा, ये नंबर क्या है, बड़ा, और ये नंबर क्या है, छोटा। तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर आगे बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। जब इससे भाग नहीं जा रहा, मतलब माइनस नहीं हो रहा, तो मैं साइड वाले से क्या लेता, उधार लेता, उधार के रूप में कितना लेता, एक। तो ये एक का क्या हो जाएगा, ग्यारह। तो यहाँ से ग्यारह में से छह गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पांच आएगा, न कि माइनस पांच आएगा। इसका थोड़ा सा आप लोग खासा ख्याल आप लोग रखेंगे, ठीक है। आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको वही पसंद आया होगा जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था। ऐसे जो वीडियोस हैं डेली आपके लिए आ रहा है, सबसे पहले हम वीडियोस में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सिखाते हैं, इसके बाद में अगले दिन आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेशन में अभी आपके लिए और भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, बने रहिए साथ में। वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करें, और सबसे पहली चीज आप जो कोने में बटन दिख रहा है ना लाल वाला, उसको जरा फटाफट दबा दो, गुस्से में दबाओ कैसे ही दबाओ, पर उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जितने भी वीडियोस डालें आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंचे। थैंक यू।